नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं जगरावा मंडी, जो कि पंजाब में पड़ती है। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर ब्रीड परचेसिंग की है और किस प्रकार की गाय यहाँ पर मिलती है। दोस्तों अक्सर हमारे किसान भाई के मन में भ्रांति आ रही थी कि किस प्रकार की हम गाय खरीदें, क्या प्राइस हो, क्या रेट हो, कितना मिल का प्रोडक्शन हो। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग आए हैं पंजाब की जगरावा मंडी में। दोस्तों एक से बढ़कर एक यहाँ पर पशु मिलता है और जगरावा, मोगा, ये पूरा एरिया जो जंगल है वो ब्रीड के मामले में प्रसिद्ध है। और जिस स्थित जहाँ जगह पर हम खड़े हैं वो यहाँ पर PDFA का जो मेला लगता है, जगरावा मंडी यहाँ लगती है। तो आइए जानते हैं कि किस किसान ने किस रेट में खरीदी है, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रीड का परचेसिंग हुआ है यहाँ पर। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? नमस्कार, मेरा नाम मनोज राठौर, सांवरिया डेयरी फार्म से। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश इंदौर से। कितनी गाय खरीदी है आपने इस बार? इस बार अभी तक तो 5 की परचेसिंग हुई और 6 गाय मंडी से खरीदी। अच्छा जी सर। सर ये बताएं कि अगर हमारे किसान भाई यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो किस प्रकार की मंडी होती है? आप जैसे MP से, मध्य प्रदेश से यहाँ पर इतनी दूर आए हैं, तो वो लोग यदि यहाँ पर आए तो किस प्रकार से खरीदें ताकि ठगी का शिकार ना हो, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का उनके साथ फ्रॉड ना हो, ताकि गाय का लेवल क्या हो, गाय का देखना किस प्रकार से चाहिए। आजकल दोस्तों हमने देखा है कि काफ़ी लोग फ्रॉड होते हैं, जो बच्चे और दूसरा लगाकर गायों को दे देते हैं, कभी एक उनका जो आँचल है वो बंद होता है। तो किस प्रकार से हमारा हरियाणा में हम गाय पंजाब में हम खरीद सकते हैं, आज हमारे साथ मनोज जी हैं जो मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम कि किस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र के या छत्तीसगढ़ के जो पशुपालक भाई हैं जो गाय खरीदना चाहते हैं वो किस प्रकार से ले सकते हैं, वो कौन से बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आज हम सर से जानते हैं। सर कब आए हैं मंडी में आप? मैं सर अभी 1 घंटे पहले आया हूँ। और आप कह रहे हैं ना कि किस प्रकार से गाय खरीदना चाहे, तो सर मैंने मेरे जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से देखा है कि गाय का शरीर जो है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हेवी है जी, और गाय की जो लंबाई है वो भी बहुत शानदार है। पीछे से जो पुट्ठा है वो भी बहुत चौड़ा है। कैमरा में तो कहेंगे कि आप पुट्ठा दिखा दीजिए गाय का। अच्छा, आगे से गाय ना पतली है और पीछे से बहुत चौड़ी है। वी शेप में गाय होना चाहिए यदि जो दूध लेना है। बाकी ब्यूटी के हिसाब से या फिर हेवी शरीर के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन आप गाय को देख सकते हैं, पतली चमड़ी, बिल्कुल भी बाल नहीं है, बाल पूरे एकदम शाइनिंग में है, गाय शाइनिंग पूरी है। ये बताएं कौन से लैक्टेशन की गाय खरीदी आपने? मैंने 2nd की खरीदी है सर, हमेशा मेरा पर्पस रहता है कि 2nd की ही गाय खरीदें। इस बार कितना ये आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन करने वाली है? मेरे हिसाब से तो 40 लीटर दूध कर देगी आराम से। 40 लीटर दूध कर देगी। फार्मर ने बताया कि 45-50, लेकिन बड़ी बात हो जाएगी वो, लेकिन 40 लीटर दूध गाय आराम से कर देगी। अच्छा, इसके नीचे क्या है सर? इसके नीचे बछड़ा है। बछड़ा है, हाँ जी। अच्छा सर ये बताएं कि कितने में खरीदी आपने, एकदम सही दाम बताइएगा। बिल्कुल एक्यूरेट दाम बताएंगे। जो किसान भाई है वो वीडियो देखकर YouTube पे देखकर यहाँ पर परचेसिंग के लिए आते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का छलावा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, आप एक्चुअल इसका जो G9 रेट है वो बताइए। बिल्कुल सर, किसान ने मांगा था इसका 2.5 लाख रुपए जी, लेकिन 1,25,000 रुपए में इसका सौदा हुआ है, फिक्स रेट है। उसमें इस वीडियो के माध्यम से ये मदद मिलेगी कि यदि जैसे वो दूसरे किसी के भी पास जाते हैं तो ऐसी गाय दिखाकर वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं, और वीडियो में उनको घर पर बताते हैं कि आप आ जाइए, ऐसी गाय हम आपको 70,000-80,000 में देंगे। तो जो इसका फिक्स प्राइस है अपने 1.25 लाख रुपए में खरीदा है। 1.25 लाख रुपए जी सर। ये बताएं कि आप ये मंडी आपने विजिट की है तो किस प्रकार का माहौल लगा, यहाँ पर किस प्रकार की गायें आती हैं, कम से कम दूध कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध कितने वाली आती है, आपका एक अनुमान क्या बोलता है इसको विजिट करने के बाद? सर मेरे को अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया मंडी विजिट करते हुए, तो यहाँ 5 लीटर से लगा करके 50-55 लीटर तक की गाय आ रही है। हाँ। और यहाँ पर सब कुछ, यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया कम है, अगर हमारे तो आपको हर प्रकार की गाय दी जाएगी यहाँ पर। ये बताएं कि अगर हमारे छोटे किसान भाई है जिनको कम से कम दोनों टाइम का 12 लीटर 15 लीटर दूध, या अगर दोनों टाइम का 10-12 लीटर दूध या 1 टाइम का 10 लीटर दूध की गाय खरीदना चाहते हैं 20 लीटर पर डे वाली जी, तो मिनिमम कितने में मिल जाएगी यहाँ पर? अभी तक तो सर हम बड़ी गाय देख रहे थे, लेकिन हमारे जो रतलाम से भी भाई आए हैं उनके लिए भी देख रहे हैं मीडियम रेंज की गाय जी, तो 75,000 और 80,000 के समथिंग आपको 25 लीटर वाली गाय मिल जाएगी जी। और हम यदि बढ़ाकर भी बात करें तो 90,000 में आपको 30 लीटर तक की गाय बहुत बढ़िया मिल बड़े आराम से बड़े आराम से मिल जाएगी यहाँ पर। श्योरिटी के साथ हमारे जो पशुपालक भाई है वो जगरावा मंडी से या इस जो एरिया यहाँ से बड़े आराम से खरीद सकते हैं। बिल्कुल आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन कहना यही चाहूंगा कि थोड़ी सी भी यदि गलती हुई, आपको अनुभव की कमी हुई जी, तो यहाँ पर हर प्रकार की गाय आपको दे दी जाएगी। मतलब जाएगी। अपने पैमाने पर, अपने विवेक पर गाय खरीदे दोस्तों। बिल्कुल, अपने को थोड़ा सा अनुभव की कमी, इतना सा भी कम हुआ जी, तो आपको गलत गाय दे दी जाएगी। अनुभव पूरा होना चाहिए आपको, तभी जाकर आप अच्छी गाय खरीद पाएंगे जी सर। देखा दोस्तों किस प्रकार से मध्य प्रदेश से किसान आए, उन्होंने गाय परचेस की 1,25,000 के दाम से, जो कि 50 लीटर प्लस पर डे का दूध प्रोडक्शन करने वाली है, और बहुत ही अच्छी ब्रीड और बॉडी का स्ट्रक्चर, अडर की क्वालिटी,
सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बढ़िया हैं। जी सर बताएं। जी सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ें, खुद आएं, चाहे एक गाय लेना, दो लेना, दस लेना, लेकिन खुद आएं, गाय को देखें, दूध देखें और उसके थन देखें और उसके बाद ही गाय की परचेसिंग करें। दोस्तों आइए वीडियो में आगे हम जानते हैं, पूरी मंडी का विजिट करते हैं कि किस प्रकार की गाय यहाँ पर मिलती है। वीडियो में अंत तक बने रहें। सर धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। दोस्तों आप इस वक्त हम आए हैं जगराव मंडी में। जगराव मंडी में किस प्रकार की ब्रीड मिलती है और आप वीडियो में देख पा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं कि जगराव मंडी में किस प्रकार की बफेलो और काऊ आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें। आइए जानते हैं इनके ओनर से कि किस प्रकार से रेट होता है, कितना प्रोडक्शन करने वाली है और क्या क्या दाम की ये काऊ होती है। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे फार्मर हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की जो काव है वो लेकर आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मेरा गुरजंट सिंह है। दोस्तों हमारे साथ सर हैं, आइए जानते हैं कि कितनी काव ये लेकर आए हैं और कितना प्रोडक्शन करने वाली है और कितने दाम की काव इनके पास है। सात लेके आए हैं। कितनी गाय लेकर आए हैं? सात लेके आए। सात लेकर आए हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोडक्शन वाली गाय लेकर आए हैं आप? मेरे पास हैगी लाख रुपए तक हैगी। लाख रुपए तक हैगी? अच्छा, कम से कम 55,000। 55,000 से लाख रुपए तक की गाय है। 55,000 की जो काव है वो कितना प्रोडक्शन करने वाली है? वो दे देगी 20 लीटर दूध दे देगी। 20 लीटर पर डे का? पर डे का। दोस्तों देखा किस प्रकार से बहुत ही कम दामों में यहाँ पर। देखो इधर ये बच्ची, देखो इसके नीचे 20 लीटर दूध है। अच्छा, इसके नीचे 20 लीटर दे देंगे। 55,000 दे। अच्छा, 55,000 की 20 लीटर दूध है। ये थल्ले 16-17 किलो है, ये भी दे देंगे। इसके नीचे दोस्तों 16-17 लीटर दूध है। बछड़िया साथ है, ये दे देंगे 50 में। ये 50,000 दाम की है और बहुत ही कम्पैक्ट अडर के साथ बहुत ही शानदार क्वालिटी की। ये भी दे देंगे 50 की, ये भी पहलन बच्ची है। अच्छा, ये भी 50 की? हाँ। ये भी पहले सुआ है? हाँ, ये तीजे सुए है। दूध 28 किलो है। 28 किलो दूध है इसके। हाँ, पास ये दे देंगे 65,000। 65,000 की? हाँ। बहुत शानदार। दोस्त दे देंगे 75,000 दी, पहलन बच्ची है। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन की है। कितना प्रोडक्शन करने वाली है? ये दे दी 20+ दे दूंगी। 20+ कितने की हो जाएगी? है 75 दी दे देंगे इसमें। और हमारे किसान भाई फार्मर आके कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं? हाँ, कर लेंगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जगराव मंडी और खन्ना मंडी में भी ये काऊ लेकर आते हैं। इसके नीचे दोस्तों 32-33 किलो मिल्क है। और कौन से लैक्टेशन की है? ये दूजे में। ये दूजे में ये थल्ले भी 30 किलो बौड़ी है अभी। अच्छा, बच्चियां साथ में। क्या दाम की बात की जाए तो 2 लाख नहीं दे देंगे? दोनों 2 लाख की। इसके नीचे कितना दूध बछड़ी है? 30 लीटर अभी। 30 लीटर तैयार है। दोस्तों देखा आपने, बहुत ही शानदार। हाँ सर, हमें कुछ जानकारी आप दीजिए कि यदि हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, गुजरात से अगर आते हैं तो किस प्रकार से वो काऊ खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी फ्रॉड भी जैसे खन्ना मंडी में होता है, दूसरा बच्चा लगा कर देते हैं, तो किस पैमाने पर वो अपनी गाय को परखें, आप कुछ 2-4 टिप्स बताएं। नहीं सारे बंदे नहीं ना, इतना नहीं। हाँ, सारे नहीं होते, इसीलिए हम आपके पास आए हैं जिन पर हमें ट्रस्ट है, जो सही बंदे अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे काफी समय से, सालों से लोग जुड़े हुए हैं, हम उसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो किन किन प्रकार की सावधानियां रखें? सावधानियां, बच्चा जो ताजा दिए वो ले लो, जो सुई भी गए लेने, ठीक है, गब्बन गए खरीदो, मंडी में सस्ता गए मिलता है। अच्छा, मंडी में ऐसे है, एक छोड़ो दूसरी ले लो। जी, मंडी जो लेके आता है बेचने के लिए आता है और उसको नीड होती है देने के लिए वही लेके आता है कम दामों में मिल जाता है, मंडी में से मिल जाता है। सर ये बताएं, ये जो जगरावा मौका है, ये पूरा एरिया मिल्क प्रोडक्शन में ये जंगल अच्छा है? हाँ, बढ़िया है। ये पूरे पंजाब में मौका जगरावा क्षेत्र की जो गाय आती है वो अच्छी आती अच्छी, है अच्छी आती है। अच्छा, मेरा मरिंडा एरिया। अच्छा, पुराने फार्म साडे एरिया शुरू हुए थे पहले। अच्छा जी। हाँ, मरिंडा एरिया बता ना तन्नू। हाँ हाँ, मैंने देखा है दोस्तों, इनका फार्म भी विजिट किया है और काफी काऊ भी इन्होंने हम लोगों ने परचेस की है। सर आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक बफेलो, जिसको हम अगर आप देखें कि मंडी के अंदर सारी नहलाई गई है भैंसें और साफ सुथरी, लेकिन इसको अभी जस्ट आई है और किस प्रकार से अडर की क्वालिटी है, ना इसको नहलाया गया है, तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बफेलो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जगरावा मंडी में बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर की बफेलो, जो कि प्योर ब्रीड हरियाणा की है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार से बॉडी का स्ट्रक्चर है, थनों की बनावट है और बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर बफेलो का है। उसके जो सिंग हैं उसकी भी क्वालिटी G9 है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, दाम की बात की जाए तो कितने दाम की है और किस प्रकार से बफेलो की क्वालिटी है। बहुत ही शानदार एक और बचिया हैं जिसके थनों की क्वालिटी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार थनों की क्वालिटी है और उसकी जो पिट की चौड़ाई है वो भी बहुत बढ़िया है। सर ये बताएं कि कौन से लैक्टेशन की ये बफेलो हैं? ये फर्स्ट ब्यांत की है। फर्स्ट ब्यांत, दो दांत है। दो दांत है। हाँ। कौन से जंगल की है ये? ये है
जींद डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा। हाँ दोस्तों, हरियाणा जो जींद है, रोहतक के वहाँ की बफेलो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, तो वहाँ की जो ब्रीड है और पहले इलेक्ट्रिशियन की बच्चिया है, सर कितना दूध देने वाली है ये? इसके लीटर अभी 14 लीटर है। 14 लीटर दूध पर डे का, 7 लीटर एक टाइम का दूध का प्रोडक्शन ये करने वाली है। सर अगर इसके बढ़ेगी और बढ़ेगी और कितना जा सकती है ये? 16-17 और आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से एकदम कंफर्ट जोन में जो जुगाली कर रही है और बहुत ही शांत व्यवहार की। और तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से आप पंजाब से गाय या भैंस खरीद सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे किसान भाई ऑनलाइन ठगी के शिकार होते हैं, मिल का प्रोडक्शन नहीं आता है, कभी कभी गाय गलत आ जाती है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी अच्छी काऊ खुद आकर सिलेक्शन कर सकते हैं। G9 काऊ आपको यहाँ पर मिलेगी, दिए गए नंबरों पर आप कॉल लगाएं और किसी भी ऑनलाइन के झांसे में न आएं। दोस्तों आपने आज वीडियो में देखा और समय निकाला, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि